गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ग्लो विद गीत। सो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम अच्छी हूँ, आप लोग बताएं। तो गाइज आज जो है मैं एक और अनदर प्रोडक्ट के साथ आ गई हूँ, जो कि वही बात जो कि गर्मियों में लोग सबसे ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, सनस्क्रीन कौन सा लें। यस तो आज मैं इसी बारे में सबका चीजें क्लियर करने आई हूँ कि कौन सा सनस्क्रीन सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, हर किसी को देखो सनस्क्रीन की नीड होती है, क्योंकि बाहर इतनी धूप की हानिकारक कितनी होती है। बाहर क्या, जब हम घर में भी रहें तो हमें सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करनी चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन अप्लाई करना कोई भी जरूरी नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को बहुत हैवी फील होता है, स्टिकी फील होता है, सोचते हैं घर पे तो अपनी स्किन को रिलैक्स देना चाहिए, पर नहीं। आज जो मैं आपके लिए सनस्क्रीन लेके आई हूँ, ये एक इतनी अच्छी सनस्क्रीन है, आप उसको घर पे भी लगाओगे तो भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने सनस्क्रीन अप्लाई कर रखी है, क्योंकि मैं इन सब चीजों से गुजर चुकी हूँ। मैं पर्सनली सनस्क्रीन इसलिए घर पे अप्लाई नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे काफी ज्यादा स्टिकी लगती थी, व्हाइट कास्ट छोड़ती थी, ऐसा लगता था बहुत ज्यादा कुछ फेस पे थोप दिया हो, है ना। तो ये चीजें थोड़ा रहती हैं कि नहीं यार नहीं अप्लाई करते, बट जब से मैंने सनस्क्रीन के बारे में अच्छे से जाना, मुझे अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छी सनस्क्रीन जब से मिलने लगी, तो देन मैंने सोचा कि यार जो रिजल्ट है ना, ये डेली सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी चाहिए, चाहे हम घर में हो चाहे बाहर हो, सनस्क्रीन मस्ट है, ठीक है। और इतनी अच्छी सनस्क्रीन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, बिल्कुल वॉटरी है, कोई जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, कोई मतलब हैवी स्टिकीनेस नहीं छोड़ती। तो गाइस हाँ जी, हम बात करने जा रहे हैं फिक्स डर्मा। ये देखिए, अरे दिख जा तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस सनस्क्रीन के बारे में, जो कि है फिक्स डर्मा शेडो SPF 30 प्लस जेल। जी हाँ जी गाइस, जो SPF हम लेते हैं, जो भी हो, सनस्क्रीन हो, जेल बेस्ड हो, क्रीम बेस्ड हो, जो भी हो, कुछ लोगों को क्रीम बेस्ड भी अच्छी लगती है, पर मैं जरूर सजेशन दूंगी कि 30 से लेकर 50 तक का SPF हो, क्योंकि जितना ज्यादा SPF होगा मेरे को लगता है कि उतना ज्यादा जो सन की जो प्रोटेक्शन, मतलब सन से हमें अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो जो इसमें जो है SPF 30 प्लस है, नॉर्मल है, मतलब धूप में चल सकते हैं, पर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा SPF वाला चाहिए होता है। तो इसमें एक बात तो कहूंगी कि इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो इसका एक माइनस पॉइंट है कि मतलब SPF इतना ज्यादा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस ये मुझे देखो 50 ग्राम की मिली थी ओनली, इस पे प्राइस लिख रखा है 220, बट जबकि मुझे ये मैंने purple.com से खरीदा था, ठीक है। मैं ज्यादातर अपनी परचेजिंग purple.com से करती हूँ, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें अगर कभी खरीदनी हो तो उधर बाय, मतलब हर किसी ऐप पे सेल्स चलती रहती है, तो मुझे ये थोड़े कम प्राइस में मिलता, मुझे ये 180 के अराउंड मिली थी। तो 50 ग्राम और SPF 30 प्लस और 180 मुझे बिल्कुल जेन्युइन प्राइस लगा, बहुत अच्छा प्राइस है। और जिस हिसाब की क्रीम है ना, कंसिस्टेंसी बताऊंगी तो आप लोग फैन हो जाएंगे। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें है ये फिक्स डर्मा शेडो SPF 30 प्लस जेल, एक्सीलेंट कॉम्पोजिशन फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करती हूँ। फॉर्मुलेटेड विद माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड, ये तो सारा जो भी इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोडक्शन, नॉन ग्रीसी, यस ये है, अभी दिखाऊंगी आपको, वाटर रेजिस्टेंट, यस ये है। ये भी मैंने ट्राई किया था, PA++ है, UVA+ एंड UVB, और रिकमेंडेड एंड टेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। ये सबसे बेस्ट है कि ये वाली सनस्क्रीन आप कभी मतलब डॉक्टर वगैरह भी रिकमेंड कर सकते हैं आपको, ठीक है, मैंने ऐसा सुना है। तो ये अच्छी है, डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगी, जब भी सनस्क्रीन आपको कहीं बाहर जाना तो अप्लाई आधे घंटे पहले कर लें, है ना, 20 से 25 मिनट पहले करें, तभी वो जाके अपना वर्क दिखाती है, नहीं तो फिर आप लगाते ही निकल जाओगे, उसके बाद कहते हो स्वेटिंग आ रही है, डार्कनेस अभी भी है, क्योंकि वो यार थोड़ा तो मतलब स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए, उसको वर्क करने के लिए टाइम चाहिए ना, है ना। तो अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको काफी बार यूज कर लिया, इतनी ज्यादा निकल गई, बाबा मैं क्या करूं। तो गाइस इसकी इसी इतनी जल्दी ये इतना सारा निकल रहा है, इसी से पता लगाया जा सकता है कि ये कितना स्मूथ है, कितनी जल्दी, ये देखो बिल्कुल जेल है, बिल्कुल जेल, ये देखो ग्रीसी लग रहा है ना आपको, ये देखो इतनी जल्दी अब्सॉर्ब होते है ये स्किन में,
इसमें हल्की हल्की फ्रेग्रेंस है पर बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही सूथिंग है, मतलब आप लोगों को अच्छी लगेगी इसकी फ्रेग्रेंस। तो ये बची कुची जो सनस्क्रीन है मैं अप्लाई कर लेती हूँ सारी जगह। तो गाइस ये देखो चमक दिख रही होगी आपको, दिख रही है नहीं दिख रही पर ये सच में चमक रहे हैं, मतलब काफी ग्लोई है। हाँ फ्रेग्रेंस है बट माइल्ड है, मतलब सभी को पसंद आ जाएगी। जिनको मतलब फ्रेग्रेंस वाले नहीं पसंद मे भी उनको शायद ना हो सके, थोड़ा गार्नियर जैसी फ्रेग्रेंस दे रहे बाकी पता नहीं। ठीक है तो गाइज मुझे तो ना ये सनस्क्रीन काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। ठीक है इसकी जो कंसिस्टेंसी है, और अगर आप इसको धो भी लेते हैं ना, देखो कोई भी सनस्क्रीन हो आपको 4 से 5 घंटे के बाद रीएप्लीकेशन तो उसका करना ही करना पड़ेगा। ठीक है और धूप में आधे घंटे जाने से पहले लगा ले। सो गाइज मैं तो मस्ट रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इसको जरूर लें, जो कि खासकर ऑयली स्किन वाले हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल 100% सजेस्ट करूंगी। क्योंकि मतलब मैं पर्सनली जब मैंने यूज करी तो मैं इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई इस सनस्क्रीन से, ये बिल्कुल वॉटर ही है, बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं है कि आपने कुछ अप्लाई भी कर रखा है अपने फेस पे सनस्क्रीन के नाम पे, मतलब मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं समझा ही नहीं सकती आपको कैसे कि जब आप ये अप्लाई करोगे ना खुद लोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या है ये सनस्क्रीन, मतलब बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा बेस्ट, और प्राइस के अकॉर्डिंग। नहीं तो और जो सनस्क्रीन होती है वो काफी थोड़ी कॉस्टली आती है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये बहुत बेस्ट लगी है ना। तो आप लोग इसे जरूर लें। ठीक है ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई, ये एक सारी स्किन टाइप्स के लिए है वैसे तो, सच बताऊं तो सभी को सूट हो जाएगी है, क्योंकि हल्का सा ये बस मॉइस्चराइजर भी छोड़ती है। तो गाइज यहाँ पे ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो गाइज अगर ये आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मैं आऊंगी एक ऐसे अमेजिंग वीडियो और अमेजिंग फैक्ट के साथ, ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।